हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो ऑलमोस्ट सारे गर्ल्स का फेवरेट है और कुछ लोग का नहीं भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सबका है, वो है कॉस्मेटिक आइटम। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मिंत्रा कॉस्मेटिक हॉल। मिंत्रा पे सुपर डुपर सेल चल रहा था तो मैंने बहुत सारा कॉस्मेटिक आइटम परचेज किया है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मिंत्रा पे हमेशा कुछ ना कुछ का ऑफर चलते रहता है। और हाँ, मैं फटाफट आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या परचेज की हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑर्डर की थी मेकअप रेवोल्यूशन का फाउंडेशन। ये फाउंडेशन प्लस कंसीलर दोनों है इसमें और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। फ्रेंड्स, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। वाव, इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, इससे आप अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर सकते हैं और फाउंडेशन ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये मेरा स्किन टोन से मैच कर रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। वाह, ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन से मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं। वैसे इसमें इसका शेड वेट तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस इसमें लिखा हुआ है F7.5 एंड 23 ml का है ये। सेकेंड में मंगवाई हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट। और ये पैलेट को मैंने पहले भी अमेजोन से परचेज किया था, उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। मैं इसको सेकेंड टाइम मंगवा रही हूँ क्योंकि अमेजोन से जो मैंने ऑर्डर किया था वो पैलेट मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दे दिया क्योंकि उनको भी ये पैलेट बहुत पसंद आया था। एंड एक्चुअल में इसका जो आई शैडो का जो पिगमेंटेशन है बहुत अच्छा है। और प्लस मैं इसको सेकेंड टाइम इसलिए भी मंगवाई हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद भी है और मिंत्रा में 2-3 मेकअप रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट ऐड करने से वो मुझे कुछ गिफ्ट भी भेजे हैं जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला है। और मैं आपको इसको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। सो इसका पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, ये पूरा गोल्डन शेड में है। एंड इसमें एक आपको ब्रश मिलता है जिसके हेल्प से आप अपने आईशैडो को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसके कलर्स देखिए, कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। बहुत सुंदर सुंदर कलर्स हैं फ्रेंड्स। और इसका पिगमेंटेशन वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना हाईली पिगमेंटेड है। और सच में ये आईशैडो बिल्कुल पैसा वसूल आईशैडो पैलेट है क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे कलर्स हैं कि जिनको अगर लाइट सेट लगाना पसंद है तो उसमें इसमें लाइट कलर का भी आईशैडो है। पार्टी में अगर आप जा रहे हो तो पार्टी के अकॉर्डिंग भी इसमें आईशैडो कलर है। एंड जिनको स्मोकी आईज बनाना बहुत पसंद है तो उनके लिए स्मोकी आईज का कलर्स भी अवेलेबल है। ये मतलब मल्टी पर्पज आईशैडो पैलेट है और बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअल में मुझे बहुत पसंद आया और इसका पिगमेंटेशन तो वाव है। थर्ड में मेकअप रेवोल्यूशन का लिपस्टिक मंगवाई हूँ और ये वेलवेट पिंक लिपस्टिक है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत है। मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत पिंक है और जब आप इसको लिप्स पे अप्लाई कीजिएगा तो ये बिल्कुल वेलवेट हो जाएगा। मतलब वेलवेट लिपस्टिक का तो बात ही कुछ और होता है, बहुत अच्छा लगता है लगाकर। अगर आप लोग कभी यूज नहीं किए तो आप लोग एक बार जरूर यूज कीजिएगा। एंड आई फॉल इन लव, और वैसे भी मैं तो लिपस्टिक लवर हूँ, आप लोगों को तो पता होगा ही। सो ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये 3 मेकअप रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट के साथ उन्होंने मुझे एक गिफ्ट फ्री में दिया है, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वो है ये एक छोटा सा आई शैडो पैलेट जो कि मेकअप रेवोल्यूशन का ही है।
एंड आप इसका पैकेजिंग देखो फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत दिख रहा है। वाव, इसमें आपको एक मिरर भी दिया हुआ है जिसके हेल्प से आप अपने आईशैडो को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है बट मैं आप लोग को इसका कलर्स पहले दिखाती हूँ कि आप इसका कलर्स देखो कितना खूबसूरत है। बस इसमें एक आईशैडो थोड़ा सा टूटा हुआ है बट कोई बात नहीं, मैं चाहती तो इसको एक्सचेंज करके मैं सेम दूसरा ले सकती थी, ऑप्शन था मेरे पास, बट मैं ऐसा नहीं क्यों क्योंकि बहुत थोड़ा सा टूटा हुआ है, चलेगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप देखिए ये भी कितना पिगमेंटेड है। और मैं इस आईशैडो पैलेट के बारे में बहुत पहले सुनी भी थी और मुझे लेने का मन भी था बट मुझे कभी वैसा जरूरत नहीं लगा कि हाँ मैं ले लूं। लेकिन जब मैं ये सब सामान को जब ऑर्डर कर रही थी तो सडनली उन्होंने मुझे ये वाला आईशैडो पैलेट गिफ्ट में दिया कि ये वन आइटम आपको फ्री है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी इसको देख कर कि वाओ, जो मैं लेना चाहती थी और वो अचानक मुझे फ्री में मिल रहा है, तो मैं बहुत हैप्पी हुई थी इसको देखकर। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको इसका पैकेजिंग और इसका कलर्स कैसा लगा कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट मैं मंगवाई हूँ वेट एंड वाइल्ड का व्हाइट काजल और इसका कैप थोड़ा सा मेरे से टूट गया, मैं इसको लगाने में थोड़ा ज्यादा प्रेस कर दी तो ये हल्का सा क्रैक कर गया बट चलेगा, बस इसको हल्का सा प्रेस करने से ये लॉक हो जाता है। एंड व्हाइट काजल जब अपने वाटरलाइन पे अप्लाई करते हैं तो आपका आईज बहुत बड़ा बड़ा दिखता है और कभी कभी अगर आप व्हाइट काजल ऐसे भी अप्लाई कर लोगे तो आपका आईज बिल्कुल अलग दिखता है, इसीलिए मैं इसको मंगवाई हूँ। और प्राइस के हिसाब से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट मैंने वेट एंड वाइल्ड का ही आईब्रो पेंसिल मंगवाया है और इसको मैं अभी यूज भी कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है इसके पीछे आपको स्पूली ब्रश मिलता है जिसके हेल्प से आप अपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम कर सकते हैं और आपका आईब्रोज बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अभी भी मैंने इसको ही अप्लाई किया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक और आईब्रो किट मंगवाया है जो कि इन कलर कॉस्मेटिक का है और आप इसका पैकेजिंग देखिए कितना क्यूट सा, एकदम छोटू सा। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। वाव, आप देखिए कितना क्यूट दिख रहा है ये। बहुत क्यूट बॉक्स है और इसके इसमें आपको एक छोटा सा मिरर भी मिलता है जिसके हेल्प से आप अपने आईब्रोज को अच्छे से फील कर सकते हैं और साथ में आपको एक ब्रश भी मिलता है, स्पोली ब्रश और आईब्रो ब्रश, जिससे आपका आईब्रोज बहुत अच्छा से फील हो जाएगा। एंड इसमें आपको तीन सेट मिलता है, एक जेल, दो पाउडर, और ये बहुत क्यूट है। आप इसको इजिली कैरी करके कहीं भी बाहर जा रहे हो तो ले जा सकते हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला आईब्रो किट कैसा लगा, मुझे तो ये बहुत क्यूट दिख रहा है। नेक्स्ट मैं मंगवाई हूँ फेसेस कनाडा का मस्करा एंड आईब्रो ब्रश और इसको आपको कैसे यूज करना है इसके पीछे पूरा इसका डायरेक्शन में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़कर इसको अच्छा से यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी ओपन करके दिखाती हूँ। ये है मस्करा ब्रश और ये है आईब्रो ब्रश, इसके हेल्प से आप अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर सकते हैं और इसके हेल्प से आप अपने मस्करा को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही सॉफ्ट है। नेक्स्ट मैं मंगवाई हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लिटर ग्लू। जब आप कोई ग्लिटर आई शेडो अप्लाई कर रहे हो उससे पहले अगर आप ग्लिटर ग्लू अप्लाई कर लोगे तो जो आपका ग्लिटर आई शेडो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत टाइम तक अच्छे से टिकेगा। बट मैं इसको अभी तक यूज नहीं की हूँ बट मैं इसको यूज करके देखूंगी कि ये कैसा वर्क करता है, कितना देर तक मेरे आईज पे आई शेडो स्टे करता है। नेक्स्ट मैं मंगवाई हूँ रेवलॉन का नेल पेंट और इसका मैं बस कलर देखकर इसको मंगवाई थी, ये बिल्कुल मैट है, फुल्ली मैट नेल पेंट है और आप इसका कलर देखो कितना खूबसूरत है। नेक्स्ट मैं मंगवाई हूँ फेस मास्क, ये कलर बार का है और ये ग्लिटर वाइप सेल्फी मास्क है
ये देखिए ये ऐसे पैकेज में आता है। वाह इसका स्मेल बहुत अच्छा है। जब मैं ये सब सामान ऑर्डर कर रही थी तो सडनली मुझे ये ग्लिटर मास्क दिख गया। आई थिंक ये न्यूली लॉन्च है, मैं इससे पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही मैं इसको कभी यूज की हूँ, तो मैं इसको यूज भी करूंगी और देखूंगी कि इसका रिजल्ट भी कैसा होता है। अगर आप लोग को भी इसका रिजल्ट जानना हो तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, नेक्स्ट मैं मंगवाई हूँ रोजिया प्रो का आर्टिफिशियल नेल्स। वैसे तो मुझे इसका जरूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी नेल्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट फिर भी मैं इसका कलर्स मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैं इसको मंगवाई हूँ कि मैं इसको एक बार यूज करूंगी, देखूंगी कि कैसा लगता है। एंड जिनके नेल्स छोटे हैं वो इस टाइप का ऐसा कुछ मंगवा कर रख सकते हैं। अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो फटाक से इसको निकालो, अप्लाई करो तो आपके नेल्स बहुत अच्छे लगने लगेंगे। बट इसमें एक चीज अच्छा नहीं लगा कि इसके पीछे लिखा है कि आप इसको वन टाइम वियर ही कर सकते हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके पीछे आपको दिया हुआ है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज, इसका पूरा प्रोसेस इसके पीछे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़कर इसके हेल्प से आर्टिफिशियल नेल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये था मेरा कॉस्मेटिक आइटम जो मैं मिंत्रा से परचेज की थी, लेकिन मैं एक दो चीज और मंगवाई हूँ वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट मैं मंगवाई हूँ पानस का ज्वेलरी, ये एक इयररिंग्स है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। जैसा मैंने फोटो में देखा था बिल्कुल वैसा ही मुझे ये रिसीव हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड लास्ट में मैंने मंगवाया है एक स्लीपर, ये बहुत ही क्यूट स्लीपर है। बट मुझे एक चीज इसका पसंद नहीं आया, इसका जो सॉल है वो बहुत हार्ड है, पता नहीं ये पहनने के बाद कितना भारी लगेगा कैसा लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा फ्लैट में ही पहनती हूँ, बट मैं मुझे लाइट वेटेड सॉल बहुत ज्यादा पहनना पसंद है, बट ये हार्ड है तो मुझे आइडिया नहीं है कि पहनकर कैसा लगेगा। लेकिन इसके ऊपर जो बना हुआ है ये सब बहुत क्यूट दिख रहा था तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये था मेरा मिंत्रा हॉल जो कि मैंने रिसेंटली परचेज किया था। आई होप कि आप लोगों को ये हॉल बहुत पसंद आया होगा। एंड इसमें से जो भी प्रोडक्ट्स अगर आपको लेना होगा तो मैं वो सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको कौन सा चीज ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।